गाइस, शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या होते हैं लक्षण और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो इसका मतलब कि आपके शरीर में आयरन की कमी होना। ऐसा तब होता है जब खून में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से भी बहुत नीचे चला जाता है। मुख्य रूप से एनीमिया का कारण है हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा बनाए रखना जरूरी होता है। इसकी वजह से पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचता है। एनीमिया या आयरन की कमी के लक्षण बहुत ही सामान्य, जैसे डिप्रेशन, शरीर में सिहरन महसूस करना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या याददाश्त का कमजोर हो जाना इसके लक्षण हैं। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और ब्लड टेस्ट कराइए। एनीमिया का मुख्य कारण होता है विटामिन B12 या फॉलिक एसिड और आयरन की कमी होना। आप अपनी डाइट में कुछ फूड शामिल कर खून की कमी को दूर कर सकते हैं, जैसे अंडे। ये एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं। ये एनीमिया की वजह से शरीर में कम हुए विटामिन को फिर से बढ़ाने की मदद करते हैं। एक अंडे में लगभग 1 मिलीग्राम तक आयरन होता है। नंबर 2, अनार। अनार में पोटेशियम, फाइबर के साथ साथ आयरन, विटामिन ए एंड ई भी पाया जाता है। अनार शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है और सिरदर्द, उदासी, सुस्ती, थकावट जैसी एनीमिया लक्षणों से भी लड़ता है। नंबर 3, चुकंदर। चुकंदर का जूस आयरन से भरपूर होता है। रोज चुकंदर का ताज़ा जूस पीने से शरीर में आयरन की कमी को रोका जा सकता है। अच्छा होगा कि इसे आप सुबह सुबह ही पिए। नंबर 4, सोयाबीन। एक मुट्ठी भर सोयाबीन रात भर भिगोए और सुबह उठकर उसे ताज़ा खाएं। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन और कम फैट पाया जाता है और ये एनीमिया के लक्षण से भी लड़ता है। तो गाइज, मैंने आपको 4 ऐसी चीज़ें बताई जिन्हें अपने फूड में शामिल करके अपने शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और एनीमिया के लक्षणों से भी लड़ा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।